युवा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत मुड़वारी में जो शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल नवीन भवन का कार्य चल रहा है, जिसमें घटिया तरीके का मटेरियल ठेकेदारों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो वहीं घटिया तरीके से बन रही बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग का छत भी पड़ चुका है, जिसका पहले ही बारिश में वह छत रिसने लगा। इस तरीके का घटिया कार्य होते देख युवा संघर्ष मोर्चा मुड़वारी के अध्यक्ष शैलेन्द्र चौबे व जनपद अध्यक्ष अर्जुन रैकवार की उपस्थिति में युवा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता आशुतोष पाठक, बाल कुमन नामदेव, भाई लाल बर्मन, सुरेंद्र दहायत, संदीप द्विवेदी, अशरफ खान, आनंद सिंह रॉल, बेटा लाल कबीर पंथी सहित और भी कार्यकर्ता बंधु ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित रहे। ग्लोबल डी टीवी न्यूज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। ग्राम वासियों ने बुलाया और मेरे यहाँ कुछ शिकायत की कि हाई सेकेंडरी मुड़वारी में बन रही है, उसमें घटिया किस्म का मटेरियल लग रहा है, तो इसमें मैंने कुछ 2 साल पूर्ण भी देखा तो भी घटिया किस्म का है, और आज भी देख रहा हूँ तो घटिया किस्म का है। तो इसके बावजूद मैंने एसडीएम मैडम को मैंने ज्ञापन सौंपने को कहा, मगर मिली नहीं है, तो तहसीलदार मैडम को मैंने ज्ञापन सौंपा और सब मान लो कि मेरे सब लोग साथ में हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञापन जो दिया गया है, ये ज्ञापन हमारे ग्राम पंचायत मड़वारी में हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि अभी बिल्डिंग का काम पूर्ण रूप हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कमरों में छत डल गई है, लेकिन जो छत डली हुई है वो अभी से जर्जर है, ऊपर से सरिया निकल आए हैं, जो अभी पानी अभी तो बरसात का शुरुआत का पानी है, अभी से चुभ गई है पूरी छत। बताइए इसमें भविष्य कैसे यहाँ के बच्चों का निकलेगा। कितने दिन पूर्व बनी है बिल्डिंग? ये लगभग 2 साल से बन रही है बिल्डिंग, अभी काम चालू है। हाँ, अभी काम चालू है इसमें, और अभी मीडिया के माध्यम से एक बार और जो मटेरियल लगा रहे, किस प्रकार का लगा रहे? मटेरियल बहुत, मतलब 100% में 50%। अच्छा, इतना मटेरियल लग रहा है, तब तो वो जर्जर हो गई है बिल्डिंग, घटिया किस्म का जी दिया था। इसके पहले एक बार मीडिया के माध्यम से हमने निकलवाया भी था, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी उसमें कोई वो किया नहीं है अभी। और आज ज्ञापन किसको दिया है आपने? आज ज्ञापन हमने तहसीलदार मैडम बैठी हुई है, चूंकि एसडीएम